परिशिष्ट प्रथम संस्करण का प्राकथन। राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना सन 1961 के जून मास में हुई थी। आयोग को भारत सरकार ने जो काम सौंपे थे उनमें से एक काम ऐसी मानक विधिक शब्दावली तैयार और प्रकाशित करने का था जो यथासंभव हिंदी तथा विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में अपना ली जा सके। आयोग ने यह उचित समझा कि जो भी विधिक शब्दावली तैयार की जाए वह केंद्रीय विधियों के प्राधिकृत हिंदी पाठ और भारत के विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में उनके अनुवाद तैयार करने की प्रक्रिया में ही की जाए। अतः आयोग ने उन प्रमुख केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी पाठ तैयार करना शुरू किया और विधिक प्रारूपण के माने हुए सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तथा इस बात को विशेषता ध्यान में रखते हुए कि अनुवाद में और मूल अधिनियम के अर्थ में भेद ना पड़ने पाए, हिंदी तथा विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग और सहायता से ऐसे पर्याय चुने जिनकी उस विधि के संदर्भ में वही अभिव्याप्ति हो जो उस अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द की थी जिसके लिए चुने गए शब्द का प्रयोग किया जाना था। यह भी उचित समझा गया कि इस प्रकार जो हिंदी पाठ और विधिक शब्दावली तैयार की जा रही थी उन्हें आरंभ में सब राज्य सरकारों के विचार के लिए भेजा जाए और उन सरकारों से उस पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाएं। कुछ वर्षों तक यह प्रक्रिया बढ़ती जा रही और राज्य सरकारों ने जो टिप्पणियां भेजी उन पर सम्यक विचार करने के उपरांत आयोग ने शब्दावली और हिंदी पाठ दोनों को ही अंतिम रूप दिया। आयोग ने पाठ तैयार करने में उन अधिनियमों को प्राथमिकता दी जिनका प्रयोग न्यायालयों में लगभग प्रतिदिन होता है और उन अधिनियमों को भी प्राथमिकता दी जो भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने श्रमिक वर्ग से संबंधित अधिनियमों को भी प्राथमिकता दी। अब तक आयोग 168 केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है जिनमें से 142 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। अतः अब वे उन अधिनियमों के प्राधिकृत हिंदी पाठ हो गए हैं और वही महत्व और दर्जा रखते हैं जो उन अधिनियमों के अंग्रेजी पाठ का है। इन अधिनियमों में प्रयुक्त विधिक शब्दावली को संकलित करके अब संबद्ध जनों के प्रयोग के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग का यह विश्वास है कि जिनका भी विधिक साहित्य, विधिक व्यवसाय और विधिक पठन पाठन से संबंध है उन सबके लिए यह संकलन उपयोगी सिद्ध होगा। यह बात तो स्पष्ट है ही कि जिन लोगों को भी केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों का हवाला देना होगा उन्हें तो उन अधिनियमों में प्रयुक्त शब्दावली का ही प्रयोग करना होगा, किंतु जिन्हें केंद्रीय अधिनियमों का हवाला न भी देना हो उनके लिए भी संकलन में दी गई शब्दावली का प्रयोग सहायक होगा। इसमें जिन अंग्रेजी शब्दों और पदावलियों को सम्मिलित किया गया है उनका अंग्रेजी में वह अर्थ दिया गया है जिसमें वे संबद्ध अधिनियमों में प्रयुक्त हुए या हुई हैं। अंग्रेजी अर्थ के पश्चात वह प्रमुख पर्याय दिया गया है जिसका प्रयोग संबद्ध अधिनियम में किया गया है, किंतु साथ ही कहीं कहीं कोष्टक में दूसरे पर्याय भी दिए गए हैं जो आयोग ने हिंदी से भिन्न भाषाओं के प्रतिनिधियों के इस मत के आधार पर अपनाए कि जो प्रमुख पर्याय तय किए गए हैं उनके स्थान में उन अन्य भाषाओं में उन दूसरे पर्यायों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसी आधार पर कहीं कहीं वे पर्याय भी दिए गए हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में चलते रहे हैं। यह बात इसलिए की गई है कि हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदी भाषियों के लिए वह एक नई भाषा बन जाए। आयोग का प्रयास बराबर यह रहा है कि वे पर्याय अपनाए जाएं जो भारत की प्रमुख भाषाओं में से अधिकांश में आत्मसात किए जा सके। आयोग ने किसी भी उपलब्ध पर्याय की केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की कि वह हिंदी भाषा से भिन्न भाषा का शब्द है, किसी भाषा स्रोत से भी आए जो शब्द हिंदी में आत्मसात हो चुके हैं यदि वे शब्द अन्य भाषाओं को भी मान्य हुए तो उन्हें आयोग ने अपना लिया। इस प्रकार अपील, समन, वारंट आदि प्रचलित शब्द ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं। विधिक विचारों में जो सूक्ष्म अंतर होते हैं यदि उनको अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी में शब्द नहीं मिले तो उनमें से कई के लिए भारत की अन्य भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं। हो सकता है कि आरंभ में ये शब्द हिंदी भाषियों को इस कारण
सहज बोध ना हो कि वे उनसे परिचित नहीं हैं, किंतु जो भी शब्द उन भाषाओं से लिए गए हैं वे ऐसे हैं कि वे सहज ही हिंदी में बचाए जा सकते हैं और कुछ समय के प्रयोग से ही हिंदी भाषा में प्रचलित हो जाएंगे। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 351 की दृष्टि में रखते हुए अपनाई गई है। स्वभावतः जो विधिक शब्दावली आयोग ने अपनाई उसमें संस्कृत उद्भव के शब्दों का प्राचुर्य है, क्योंकि उसी भाषा से आए शब्दों के बारे में भारत की अधिकांश भाषाओं का मतैक्य हो पाता है। पर आयोग का भरसक यह प्रयत्न रहा है कि निश्चितार्थ की रक्षा करते हुए जहां तक संभव हो वे शब्द अपनाए जाएं जो या तो हिंदी भाषा या धर्मशास्त्रों में या भारत की अन्य भाषाओं में पहले से ही विद्यमान हैं, अथवा जो भारत के संविधान के भारतीय भाषाओं में अनुवाद के समय बुलाए गए अखिल भारतीय भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन में सर्वसम्मत से अपनाए गए थे, अथवा जो उन विभिन्न समितियों ने सुझाए जिनको या तो संसद के सदनों के अध्यक्ष और सभापति ने अथवा भारत सरकार ने समय समय पर नियुक्त किया था। आयोग ने अनिवार्य परिस्थिति को छोड़कर किसी नए शब्द को गढ़ने का प्रयास नहीं किया है। हो सकता है कि इस संकलन में दिए गए कुछ शब्द आरंभ में अपरिचित से लगे, किंतु शास्त्रीय भाषा तो हर स्थिति में जनसाधारण की भाषा से किसी हद तक भिन्न होती है। सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है। विधि तो ऐसा शास्त्र है जिसका संबंध करोड़ों नर नारियों के जीवन से होता है, अतः उसमें तो निश्चित अर्थ व्याप्ति वाले शब्द ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यही कारण है कि कहीं कहीं आयोग को जनसाधारण की भाषा के कुछ प्रचलित शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। आयोग ने यह भी उचित समझा कि जिन लैटिन भाषा के सूत्रों का प्रयोग बहुधा न्यायालयों तथा वकीलों द्वारा किया जाता है उनके भी सम्यक पर्यायवाची हिंदी सूत्र संकलन में दिए जाएं। आयोग का विश्वास है कि अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ में प्रयुक्त होने के कारण इन शब्दों की अर्थ व्याप्ति न्यायालयों के निर्णय से शीघ्र ही पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। आयोग को यह भी आशा है कि संकलन के प्रकाशन से विधि के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग सहज हो जाएगा और न्यायाधीश, वकील, शिक्षक और विद्यार्थी इसकी सहायता से अपना विधिक कार्य अथवा पठन पाठन सहज ही में चला लेंगे। लीगल ग्लॉसरीज टेबल। लीगल ग्लॉसरीज के अंतर्गत में टेबल किसको कहा जाता है? अ सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एटसेट्रा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट फाइल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। सारणी को टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय सूची। टेबल ऑफ कंटेंट्स का अर्थ है विषय सूची। नेक्स्ट है टेबल्स ऑफ फेयर्स, इंडियन रेलवे एक्ट, यात्री भाड़ा सारणी या यात्री किराया सारणी। नेक्स्ट टेबल ऑफ फीस, फीसों की सारणी। टेबल ऑफ मॉर्टैलिटी, मृत्यु सारणी, मरण दर सारणी। टेबल ऑफ हाउस, सभा पटल, सदन पटल। टेबल ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का पटल। टेबुलर फॉर्म इन सारणीबद्ध रूप में। टेबुलर परचेस बुक, सारणीबद्ध क्रय वही। टेबुलर सेल्स बुक, सारणीबद्ध विक्रय वही। टेबुलर स्टेटमेंट, सारणीबद्ध विवरण। टेबुलेटेड स्टेटमेंट, सारणीबद्ध विवरण। टेबुलेटिंग मशीन ऑपरेटर, सारणिक प्रचालक। टेबुलेशन, सारणीयन, सारणीकरण, सारणी बनाना। टेबुलेटर, सारणीकार। टैकिंग, यूनिटिंग अ थर्ड और सब्सिक्वेंट एनकम्ब्रेंस टू द फर्स्ट वेयर बाय इट एक्वायर्स प्रायोरिटी ओवर एन इंटरमीडिएट मॉर्टेज, मॉर्टगेज, आबंधन। टैकिंग मतलब आबंधन।
स्टैकिंग प्रोहिबिशन ऑफ आबंधन का प्रतिषेध टैकल नौकों पर नौकोपकरण टैक्ट चातुर्य या चतुराई तहसीलदार तहसीलदार टेलिंग्स इन्फीरियर और रिफ्यूज मटेरियल माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अवशिष्ट को टेलिंग्स कहा जाता है टेलर दर्जी टेलरेस अंतकुल्या टेकवी वर्क्स तकावी संकर्म तकावी वर्क्स एडवांस तकावी संकर्म अग्रिम टेक एडवांटेज ऑफ फायदा उठाना टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स सब युक्ति युक्त कदम उठाना टेक अवे हटा लेना या छीनना टेक बैक वापस लेना टेक बेनिफिट डायरेक्टली फायदा सीधे लेना सीधे फायदा लेना टेक चार्ज ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड टू परिरुद्ध व्यक्तियों को अपने भार साधन में लेना परिरुद्ध व्यक्तियों को अपने सुपुर्दगी में लेना टेक इफेक्ट प्रभावी होना प्रभावशील होना टेक होल्ड ऑफ ग्रहण करना टेक होली ऑर्डर संन्यास लेना टेक इन एडॉप्शन टू टेक अ चाइल्ड एज वंस अडॉप्टेड सन और डॉटर दत्तक लेना टेक इन टू अकाउंट हिसाब में लेना टेक जुडिशियल नोटिस न्यायिक अवेक्षा करना टेक लेवल्स ऑफ लैंड भूमि का तलमापन करना टेक मेजर्स उपाय करना टेक मेजर्स फॉर के लिए उपाय करना टेक नोटिस सूचना दी जाती है टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक्ट वायुयानों के उठान टेक अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज विरोधी पक्षकार को चकित करना टेक ऑर्डर विद एनी प्रॉपर्टी किसी संपत्ति की व्यवस्था करना टेक आउट अ पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस पर्सनल इंजरीज कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट बीमा पॉलिसी लेना टेक आउट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन पत्र प्राप्त करना टेक ओवर कार्यभार संभालना टेक ओवर द मैनेजमेंट प्रबंध ग्रहण करना टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट प्रबंध ले लिया जाना टेक पार्ट भाग लेना टेक प्लेस होना टेक पोजीशन कब्जा करना टेक रिस्क जोखिम उठाना टेक सैंपल्स नमूने लेना टेक स्टेप्स कार्रवाई करना या कदम उठाना टेक ट्रायल विचारण होना या विचारण करना टेक अंडर कंट्रोल नियंत्रण के अधीन लेना टेक अप अ बिल बिल का पूर्व संदाय करना टेक अप आर्म्स शस्त्र उठा लेना टेक अप रेसिडेंस निवास करने लगना टेक अप द बिल ऑन इट्स मैच्योरिटी विनिमय पत्र को इसकी परिपक्वता पर ले लेना टेक अप द मैटर टेलीग्राफिकली शेल मामले की तार द्वारा सूचना देना टेकन डाउन इन इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा गया टेकन इनटू अकाउंट विचार में ली गई हिसाब में लिया गया टेकन ऑन बोर्ड अ शिप पोत पर ले जाए गए टेकन ऑन बोर्ड एनी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट एज स्टोर्स
किसी विदेशगामी जलयान या वायुयान पर यान सामग्री के रूप में ले जाए गए। टेकन ऑफ द फाइल, फाइल से निकाल दिया गया। टेकन ओवर, ग्रहण कर लिया गया। टेकिंग एट सी, समुद्र में पकड़ लेना। टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रीमियम, प्रीमियम के लिए पावना लेना। टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रीमियम और कंसिडरेशन फॉर रिन्यूअल, नवीकरण के लिए प्रीमियम या प्रतिफल का पावना लेना। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल्स, सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करना। टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, बंधक बनाना। टेकिंग ऑफ, जमीन से उठान करना। टेकिंग ओवर चार्ज, कार्यभार ग्रहण करना। टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध ग्रहण। तलिस्मा, तलिस्मा। टॉकी ऑपरेटर। टैली, मिलान करना। टैली कार्ड, मिलान कार्ड। टैली क्लर्क, मिलान लिपिक। टैलिंग द गुड्स, माल का मिलान करना। ओके, इसके आगे की टर्मिनोलॉजीज को अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।